है ना दोस्तों, एक पीडीएफ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कैसे एडिट करना है इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा। दोस्तों आपको सिर्फ चेक कर लेना है आपके पास जो है कौन सा टाइप का पीडीएफ है। पीडीएफ बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टम रिलेटेड पीडीएफ, एक होता है स्कैन पीडीएफ। तो ये दोनों टाइप का पीडीएफ का जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से एडिट करने का तरीका अलग अलग है। तो ये दोनों तरीका इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन दिखेगा उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इस वीडियो में दिखाया गया जानकारी को गलत पर्पस के लिए यूज ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक पीडीएफ फाइल को ओपन करके रखा हूँ, और आपको कैसे पता चलेगा कि सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ है स्कैन पीडीएफ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आप पीडीएफ में कुछ इस तरह से सिलेक्ट करोगे, अगर वर्ड आपका सिलेक्ट हो रहा है तो ये जो है सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ है। तो इसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ये पीडीएफ है जो सिस्टम जनरेटेड है। तो इसको आपको एक बार सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओपन विथ का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाना है। जाने के बाद आपको चूज एनदर ऐप करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको वार्ड दिखेगा, वार्ड में क्लिक करके जस्ट वार्ड में आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो है वार्ड में यहाँ से ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, फिर आपको ओके कर देना है। अब जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे वार्ड फाइल में आ चुका है, और यहाँ से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है नाम मेरा यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो आपको जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करके आपको अगर इसको फिर से पीडीएफ फाइल में सेव करना है तो इसके लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद ब्राउजर में जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे जो भी नाम देना है, नाम यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ, नाम डाल देना है। और यहाँ पे सेव एज टाइप में आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिखेगा, तो इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पीडीएफ ऑप्शन दिख जाएगा, पीडीएफ में क्लिक करके आपको जो है इसको सेव कर देना है। आप जैसे सेव करेंगे तो ये जो है डेस्कटॉप में सेव हो जाएगा और पीडीएफ फाइल में सेव होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जो नाम यहाँ से रिमूव किया था वो रिमूव है। तो कुछ इस तरह से जो है सिस्टम जनरेटेड पीडीएफ को आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्कैन पीडीएफ है तो उसको कैसे एडिट करना है, इसके लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा और इसको भी क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक स्कैन पीडीएफ है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से है, और इस पे जो है कोई भी वर्ड जो है सिलेक्ट नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसको आपको एडिट करने के लिए क्या करना है, माउस से एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस का राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको कॉपी इमेज का ऑप्शन दिख जाएगा, कॉपी इमेज में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट में जाना है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। लेने के बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल और वी एक बार में प्रेस कर देना, तो ये जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। और फिर आप जो है यहाँ से इसको मूव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट में एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में क्लिक कर देना है, कुछ इस तरह से आएगा। फिर आपको जो है कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट करके पूरा पेज में इसको फिल कर लेना है, पूरा पेज में यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अगर आप इस पे कुछ चेंजेस करना चाहते हो, जैसे कि मैं ये डेट चेंज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है लिखावट के ऊपर कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखने का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे मैं आज का डेट डाल देता हूँ। और यहाँ पे फॉन्ट मैच करने के लिए आपको यहाँ पे होम पे जाना है, और यहाँ पे बहुत सारा फॉन्ट आपको दिख जाएगा, जो भी फॉन्ट आपको मैच हो रहा है कुछ यहाँ से आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। इसका अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कलर दिख जाएगा, आपको जो भी कलर मैच हो रहा है उसको आपको यहाँ से ले लेना है, और फॉन्ट यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो फॉन्ट में मैच कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट और कलर मैच करने के बाद आपको साइड में एक बार क्लिक करना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके चारों बगल में जो है एक सर्कल बना हुआ है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है, आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस से राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आउटर लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद यहाँ पे नो आउटर लाइन में आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ से जो है सर्कल था वो भाग गया है। तो जो भी चेंजेस आपको करना है कुछ इस तरह से आपको चेंजेस कर लेना है। इसको सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज में जाना है। सेव एज में जाने के बाद ब्राउजर में जाना है, और जो भी आप नाम देना चाहेंगे उसको नाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे सेव एज टाइप में फिर से सेम प्रोसेस है। यहाँ पे वर्ड में क्लिक करना है, फिर पीडीएफ को सिलेक्ट करना है, और सेव में आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये जो है सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है। मैंने जो डेट चेंज किया था यहाँ पे डेट चेंजेस आपको दिख रहा होगा।
तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एक पीडीएफ फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपको कैसे एडिट करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो की जानकारी सही लगा होगा। जानकारी चल गई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने का आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कौन नई वीडियो कौन नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।